हेलो एवरीवन। अभी पिछला जैसे ही आपने कल देखा कि वैकेंट सीट का नोटिफिकेशन आ गया, यानी फाइनल राउंड अलॉटमेंट का, तो आप में से जिन बच्चों ने मुझे मैसेज और फोन किया, कुछ एक कंफ्यूजन है। फाइनल राउंड का मतलब क्या होता है? क्या इसी को स्पॉट राउंड कहते हैं? किस ऑर्डर में चॉइस फिलिंग करें? ऐसे कुछ आपके डाउट थे, तो मैं सोचा मैं आपका एक छोटा सा सेशन लेके आपके डाउट क्लियर कर दूं। तो आप पहले ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है। फाइनल राउंड अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है और स्पॉट राउंड का क्या मतलब होता है और इसका क्या प्रोसीजर है और किस ऑर्डर में सीट मैट्रिक्स फिल करें, मैं आपको सारी बात वन बाय वन बताता हूं। पहले सुन लीजिए। सबसे पहले आप निमसेट के जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, कल इनफैक्ट इन्होंने डिले कर दिया, तो कई बच्चों ने उसके पहले भी मैसेज करा कि सर अभी तक वैकेंट सीट का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो फाइनली आप देखेंगे जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर मिलेगा वैकेंट सीट मैट्रिक्स ऑफ फ्रेश चॉइस फिलिंग। इसका मतलब क्या है मैं सबको बता दूं, इसका मतलब यह है वैकेंट सीट यानी थर्ड राउंड तक जितने लोगों को अलॉट हुआ था और जिन्होंने लॉक कर दिया था, उसके बाद भी कुछ बच्चों ने सीट को सरेंडर कर दिया है ना, और सरेंडर करने के वजह से वो सीट वैकेंट हो गई। तो अब फाइनल फ्रेश अलॉटमेंट होता है। अब सीट सरेंडर करने के दो तीन रीजन होते हैं। कुछ बच्चों ने पहली बार में चॉइस फिलिंग गड़बड़ कर दी थी, इसलिए उन्होंने सीट सरेंडर करी। मैं बताता हूं कैसे। नंबर टू, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑर्डर प्रॉपर नहीं रखा था, इसलिए हो गई। और थर्ड की जिनको जो कॉलेज चाहिए था नहीं मिला, इसलिए सिलेंडर कर दिया। यानी तीन रीजन थे। रीजन नंबर वन कि आपने आप जो चाहते थे कॉलेज, वो कॉलेज नहीं मिला, आपकी ऑर्डर अलग थी, या फिर आपको जो अलॉटेड कॉलेज था आप उससे खुश नहीं थे, इस वजह से आपने सिलेंडर कर दी। तो फिर उन्होंने एक फाइनल राउंड काउंसलिंग निकाला, इसे स्पॉट राउंड नहीं कहते हैं। अब मतलब समझिएगा, जैसे ही आप इसको कलेक्ट करेंगे तो आपको ये वैकेंट सीट की पोजीशन पता चलेगी। तो हमें सबसे पहले तो एक चीज पता ये चलती है कि 91 सीट अभी भी रिमेनिंग है, यानी 91 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने कोई एडमिशन नहीं लिया है। और जैसे एनआईटी सूरत कल की बात करें तो ओपन में कुछ भी नहीं है, यानी एनआईटी सूरत कल में एक भी सीट वैकेंट नहीं है। पर एनआईटी अगरतला की बात करें तो टोटल 14 सीट वैकेंट है, जिसमें से 5 ओपन है। कई लोग अगरतला छोड़ देते हैं, इसलिए 2 ईडब्ल्यूएस है यानी ये 7, 3 ओबीसी की भी है और 4 एससी की भी है। ऐसे ही एनआईटी अगरतला के बाद इलाहाबाद पे आते हैं तो इलाहाबाद में केवल और केवल एक ही सीट है, वो भी पीडब्ल्यूडी की, ओपन ओबीसी पीडब्ल्यूडी की। मैनेट भोपाल की जब बात करते हैं तो ओपन की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 1 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी की 1 है, एससी की भी एससी की 3 है ना। इस तरह से 9 सीट्स हैं। ऐसे ही एनआईटी कैलीकट पे जब आप जाते हैं तो केवल और केवल एक ही सीट बची है एससी की। जमशेदपुर पे जाते हैं तो 10 सीट हैं, जिसमें 2 ओपन पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ओबीसी, इस तरह से 10 सीट्स हैं। फिर जमशेदपुर के बाद कुरुक्षेत्र जाते हैं तो 11 सीट अभी भी कुरुक्षेत्र में बची हुई है। एनआईटी कुरुक्षेत्र पे जब जाते हो, सॉरी एनआईटी कुरुक्षेत्र पे जाते हो तो सॉरी 5 सीट बची हुई है, 5 सीट टोटल है, जिसमें से 1 ओपन है और बाकी रिजर्व वाली। फिर एनआईटी रायपुर पे जब जाते हैं तो 1 टोटल रायपुर में 11 सीट है। एनआईटी त्रिचापल्ली में भी इस बार बाई चांस की बात है कि एक सीट बची है, पर वो एक सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस की बची हुई है। ओके, मतलब हो सकता है ईडब्ल्यूएस वाले ने किसी ने वहां छोड़ा, जो भी हो। एनआईटी वारंगल पे जब जाते हैं तो 2 सीट है। एनआईटी कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंस पे जब जाते हैं तो 6 सीट है, और एनआईटी पटना पे जाते हैं तो 11 सीट है, और एनआईटी पटना सेल्फ फाइनेंस पे जाते हैं तो 20 सीट है। इस तरह से ओवरऑल 20 सीट है। अब एक जो क्वेश्चन किसी का भी हो सकता है कि हमें फिल करना चाहिए कि नहीं, पहली बात फिल करने में आपका कोई चार्ज तो लग नहीं रहा है, तो फिल कोई भी बच्चा कर सकता है। किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, उस पर भी मैं 2 मिनट में आता हूं। तो सबसे पहले अगर हम ओवरऑल देखें तो ओपन में 25 सीट्स हैं, ओवरऑल में पीडब्ल्यूडी में ओपन में 5, ईडब्ल्यूएस की अभी भी 11 सीट हैं, ओबीसी की टोटल 14 सीट्स हैं, एससी की 20 सीट्स हैं, एसटी की 7 है, और ये ओबीसी पीडब्ल्यूडी की 9 है। इस तरह से ये टोटल 91 सीट्स हमें मिलती है। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो दिया था इन्होंने, इसको पहले आप क्लिक करिए तो आपको पूरे रूल दिए हुए हैं। अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंट सीट को मंडे होना था, 27 को उन्होंने कर दिया। आज से फ्रेश चॉइस फिलिंग बाय ओनली दोस कैंडिडेट हु हैव
सरेंडर सीट और जिनको कोई सीट नहीं मिली है केवल और केवल वो लोग कर सकते हैं, यानी फ्रेश चॉइस फिलिंग में केवल और केवल वो लोग जाने वाले हैं जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी पहले दूसरे तीसरे राउंड में, या जिनको अलॉट तो हुई थी उन्होंने सरेंडर कर दी, वो कैंडिडेट नहीं भर सकता है जिन्होंने सीट ऑलरेडी लॉक कर दिए। केयरफुल सुनिएगा, मैं हमेशा देखता हूं कि जो चीज मैं बताता हूं वही क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे पता नहीं। यानी फ्रेश कैंडिडेट ही भर सकता है, फ्रेश का मतलब यहां पर है जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है या जिन्होंने अपनी सीट को सरेंडर कर दिया। फिर इसके लिए आपको 28 से 30 तक का टाइम है, आप आराम से टाइम ले लीजिए, टेक योर टाइम, बट मिस्टेक ना करें, कुछ चीजें ध्यान रखना। फाइनल राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट आएगा 5 अक्टूबर को, इसके बाद आपको 5 अक्टूबर तक वेट करना है अप टू 5 PM। मैं बता रहा हूं अभी कि 5 PM पे नहीं आएगा, 7 बजे आएगा तो मैसेज करोगे आप सर अभी तक नहीं आया, आ जाएगा, कई बार थोड़ी बहुत डिले हो जाता है ये। फिर उसके बाद फाइनल रिपोर्टिंग के लिए जब अलॉटमेंट होगा, जैसे मान लो जिसको सीट अलॉट हुई है तो उसको सीट लॉक करके 10,000 रुपीज पे करना होगा, और अगर मान लो आपने पे नहीं किया अलॉट सीट के बाद भी तो वो सीट वैकेंट रह सकती है। उसके बाद फिर स्पॉट राउंड का क्या फॉर्मूला बताता हूं। तो पहले तो ये फाइनल राउंड का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में जिन सीटों को बच्चों ने बाई चांस लॉक नहीं करा था, क्यों ऐसा होता है मैं बताता हूं कि मान लीजिए कि किसी को अगरतला मिला है और उसको अगरतला नहीं चाहिए, तो उसने सोचा मैं सिलेंडर कर देता हूं, हो सकता है मुझे फ्रेश राउंड में अच्छा कॉलेज मिल जाए, या मान लीजिए कि कोई जैसे ये EWS तिरुचिरापल्ली की इसलिए खाली है कि हो सकता है इसने अपनी सीट को सिलेंडर कर दिया, जो भी रीजन हो सकता है डॉक्यूमेंट पूरे ना हो, है ना। या जैसे अगर हम देखें तो यहां पर अलग अलग जगहों पे आप देख रहे हो एनआईटी भोपाल में 2 सीट्स हैं, अब एनआईटी भोपाल में 2 सीट्स हैं, हो सकता है बच्चों ने इसके ऊपर के कॉलेज के लिए लिया, ये रीजन होता है। तो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के बाद जिन्होंने लॉक कर दी 851 सीट में से जिन्होंने लॉक कर दी, बची हुई सीट्स पे ये उनके पास एक फिगर निकल के आया कि आज भी 91 सीट्स खाली हैं, और उसमें सबसे बड़ा रीजन जो होता है ये खाली होने का, वो होता है आपको आपकी पसंद का कॉलेज नहीं मिलना या आपने गलती से पहली बार में ऑर्डर गलत कर दिया। इसलिए मैं आपको बता दूं, कल से आज तक में मुझे कई बच्चों ने ऑर्डर भेजे पर वो ऑर्डर बहुत ही कंफ्यूजिंग थे और इसलिए मुझे सेशन लेना जरूरी लगा। तो आप ऑर्डर को ध्यान से सुनिए और समझिए ऑर्डर का मतलब क्या होता है। पहली बार में भी ऑर्डर कई लोगों ने गलत भरे थे इसलिए खाली हुई, तो ये पहला रूल हुआ। रूल सारे पढ़िएगा आप खुद भी, मैं भले ही बता रहा हूं पर ब्रोशर खोल के सारी चीजें पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बात आती है कि ये तो एक चीज हो गई, अब हम चॉइस किस ऑर्डर में फिल करें, ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है हर किसी का। तो अब बच्चा ये सोचता है कि अगर जैसे मान लो कि अगर तला में 14 खाली है तो मैं पहले अगर तला कर दूं, इसमें कई दिक्कत हो सकती है। जैसे कल मुझे एक बच्चे ने ऑर्डर भेजा तो उसने लिखा NIT पटना सेल्फ फाइनेंस सबसे पहले, राइट। उसने ये सोच के कि हो सकता है सबसे कम इसी में जाए, मत करिएगा ये गलती। क्या होता है, हो सकता है कि आपकी रैंक पर, अच्छा इन जनरल में एक वर्ड बता दूं कि 1000 रैंक तक जनरल या EWS के थोड़े बहुत चांसेस हैं, उससे ऊपर के चांसेस नहीं है। OBC में 1100-1200 तक भी थोड़े बहुत चांसेस हैं, एकाध अगरतला वगैरह मिल गई तो मिल गई, नहीं तो नहीं है। SC ST वाले बच्चे 3000-4000-5000 वाले भी भर दे तो चलेगा। अब मान लीजिए किसी की जनरल रैंक 2000 है तो क्या उसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन मुझसे एक बच्चे ने पूछा। किसी को बता दिया कि नहीं नहीं मिल जाएगा, या किसी ने लिखा है कि सर मेरी ओबीसी में ओबीसी की रैंक तो ठीक है पर मेरी जनरल की रैंक है 1600 और ओबीसी की रैंक है ये, क्या मुझे भरना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि इस चॉइस फिलिंग में ना तो आपको कोई पैसा जमा करना है ना कोई प्रॉब्लम, भाई फिल कर दोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी। हाँ ये जरूर है कि 1000 रैंक तक जनरल और EWS के थोड़े बहुत चांसेस हैं, और इवन ओपन में ओबीसी में भी यहीं तक जाएगा, पर फिर भी हो सकता है 1100-1200 तक को मिल जाए, मिले नहीं मिले ये सब चीजें छोड़ दो, ये सारी बातें इस पर डिपेंड करती है कि कितने लोग सीट के लिए फिल करते हैं, उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये भर देना चाहिए। अच्छा इस बार क्या हुआ है कि अभी तक जैसे आपने देखा JNU का एग्जाम अभी हुआ, रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, महाराष्ट्र का भी रिजल्ट नहीं आया, BHU का एग्जाम ही नहीं हुआ, DU का एग्जाम नहीं हुआ, इसलिए भी ऐसा हो रहा। मान लो इनके एग्जाम हो गए होते जैसे DU के, तो और खाली सीट मिलती क्योंकि बच्चे NIT रायपुर अगरतला की जगह DU जाना पसंद करते, पर ऐसा इस बार हुआ है
तो ये एक और बहुत बड़ा रीजन है कि इतनी कम क्लोजिंग लेंथ थोड़ी सी नीचे मतलब कम गई है, तो भी आप फिल कर सकते हैं। फिल करने के लिए तो 8,000 वाला भी करते चलेगा, बाकी रहा सवाल SC ST 4,000 5,000 तक भी चांसेस हैं, बस डिपेंड, देखो सीधा लॉजिक है, ओपन में 25 सीट हैं, OBC में ये PWD छोड़ देता, EWS में 11 है, OBC में 14 है, SC में 20 है, ST में 7 है, और ये PWD मतलब जो फिजिकली हैंडीकेप्ट है उनकी है। अगर 25 कैंडिडेट नहीं भरा है मान लो ओपन में, तो जो आखिरी कैंडिडेट होगा उसको भी सीट मिल जाएगी, 500 ने भरा है तो भी केवल 25 को ही सीट मिलने वाली है। तो अब आप सुनिए क्या करना चाहिए आपको, आप कोई भी ऑर्डर रख ले, जो गलती पहले की वो मत करना। आपको मिलेगा कब मैं ये बता सकता हूं, मान लीजिए कि अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि 10 बच्चे हैं, एक की रैंक है 223, एक की रैंक है 300, एक की रैंक है 500, एक की रैंक है 700, एक की रैंक है 900, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक की है 1,000 ऐसी रैंक। अब ये बच्चा ये सोचता है कि 300 रैंक वाला बच्चा ये 900 वाला ये सोचता है कि मैं सबसे पहले अगर ताला भर दूं मुझे मिल जाए, मिलेगा, पर जब तक उसकी ऊपर की रैंक वाले बच्चों को कॉलेज अलाउट नहीं होगा, जब तक नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए, ये बात ध्यान रखिए कि जब तक आपके ऊपर वाली रैंक को नहीं मिलता, इसलिए चॉइस फिलिंग का ऑर्डर आप स्टैंडर्ड भी रखेंगे तो भी चलेगा, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे आपने सोचा कि मैं सेल्फ फाइनेंस पहले भर दूं मुझे मिल जाए, ऐसा मत करिए। मान लीजिए फ्री वाला मिलने वाला था और आपने गलती से ऊपर रख दिया तो गड़बड़ हो सकती है। तो अगर आप मान लीजिए कि चॉइस फिलिंग, जैसे अब सूरत कल में तो है ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई है ना, पर मान लीजिए आपने त्रिची भरा, अब त्रिची में अगर आप देखें तो केवल और केवल एक ही सीट से, वो भी EWS की, पर मान लो आपने त्रिची रख भी दिया तो चलेगा, नहीं रखा तो भी चलेगा। तो आपने मान लीजिए कि ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में आपने त्रिची, सूरतकल, इलाहाबाद, सपोज कैलीकट है ना, कैलीकट के बाद मान लो आपने लिया है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद जमशेदपुर है ना, जमशेदपुर के बाद मान लीजिए आपने भोपाल या इधर भोपाल लिया, चलेगा। अब जैसे 2 बच्चों को तो मुझे ही पता है उन्होंने केवल इसलिए छोड़ा कि उन्होंने सेल्फ फाइनेंस पिछली बार ऊपर भर दिया था। अगर आप मान लीजिए फी एफोर्ड नहीं कर सकते तो सेल्फ फाइनेंस सबसे आखिरी में रखना, कर सकते हो तो ऊपर रखना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पटना में 30 सीट वेकेंट होने का रीजन ये है कि फर्स्ट NIT है, फर्स्ट ईयर है, पहली बार है, तो कुछ बच्चे थोड़ा सा कि भाई पहली बार MCA हो रहा है वहां पे स्टार्ट है, तो 1 और 2 साल का है, पता नहीं क्या होगा प्लेसमेंट वगैरह को लेके ये डाउटफुल थे, इसलिए ऐसा हुआ है। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, NIT पटना भी अच्छा है, NIT B में उसका अच्छा रेपुटेशन है, इसलिए आप प्लेसमेंट और 2 साल को लेकर परेशान ना हो। पर आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपने पटना सेल्फ फाइनेंस ही पहले भर दिया और मान लीजिए कि पटना फ्री था, पटना फ्री वाली सीट फ्री थी, पर अगर आपका ऑर्डर ये हुआ पटना सेल्फ फाइनेंस और पटना, तो फिर ऊपर वाला मिलेगा, इसलिए ऑर्डर को आप थोड़ा केयरफुल भरिए। ऑर्डर में 3 चीज याद रखिए, अगर सेल्फ फाइनेंस पे जा रहे हैं तो उसकी फी ज्यादा होती है, लगभग डबल होती है, वो अफोर्ड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। दूसरा, कई लोग लोकेशंस को देखते हैं, जैसे आप इम्पिटस गुरुकुल का ही एक बच्चा जिसकी 44 रैंक है, आपने उसका इंटरव्यू भी सुना, त्रिची मिलने के बाद भी उसने इलाहाबाद लिया क्योंकि उसके साथ घर में कुछ कंडीशन ऐसी थी कि वो बाहर इतनी दूर नहीं जा सकता। तो आप ये सब पैरामीटर्स को देखिए क्योंकि फाइनल आउट अलॉटमेंट है। फिर स्पॉट क्या होता है वो बताता हूं। तो आप लोग एक तो ऑर्डर पे अपने हिसाब से करिए, बट फी को देखते हुए चलिए, बाकी रहा सवाल इस बात का, तो आप स्टैंडर्ड ऑर्डर जो चलता है उसमें जैसे सूरतकल हटा सकते हो, त्रिची और सूरतकल में तो वैसे भी सीट नहीं, तो आप इस ढंग से जा सकते हो, ठीक है। तो आपको, क्योंकि आपका नंबर, किसी भी बच्चे का नंबर जब भी आएगा जब उसके ऊपर के नंबर के बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी, तो आपका ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इस बात का कि आपके ऊपर कितने लोग हैं, नीचे कितने हैं। इसलिए आप अपनी चॉइस फिलिंग प्रॉपर रखिए कि आपने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सपोज त्रिची को 1 दे दिया, ठीक है, सूरत कल को 2, अभी 2 नहीं देना पर ये नहीं है इसलिए छोड़ सकते हो, ये 3 दे दिया, 4 दे दिया, फिर कुरुक्षेत्र को 5 दे दिया, भोपाल को 6 दे दिया, जमशेदपुर को 7 दे दिया, फिर वारंगल को और ऊपर रख सकते हैं पर वारंगल में सीटी कम है इसलिए वारंगल को आपने मान लो 8 दे दिया, फिर आपने अगर सेल्फ फाइनेंस बाद में लेना है पटना को 9 दे दिया, फिर कुरुक्षेत्र के सेल्फ को 10 दे दिया, अगर आप सेल्फ फाइनेंस में जा सकते हैं फिर 11 दे दिया, और फिर अगरतला को आपने 12 दे दिया।
मान लीजिए आपको लगता है सेल्फ फाइनेंस में आप जा ही नहीं सकते तो और नीचे रख दें, आप सेल्फ फाइनेंस में जा सकते हैं तो ऊपर रख दें। तो आप ऑर्डर इस ढंग से रखें कि जिससे कि अगर आपको लगता है कि बाय चांस, जैसे मान लीजिए कि अपने पास, हमें पता है ना 25 सीट है, ओपन वाले के लिए भी कह रहा हूं, अगर 25 सीट है और हमें दिख रहा है कि भोपाल में है, हमें दिख रहा है कुरुक्षेत्र में है, जमशेदपुर में हमें दिख रहा है, कुरुक्षेत्र में हमें दिख रहा है, रायपुर में है, और हमें दिख रहा है पटना में और इसमें, तो हम इस ढंग से सोचें कि एक जनरल वाले कैंडिडेट को अगर इन बची हुई सीट के हिसाब से देखा जाए तो जनरल वाले कैंडिडेट को कैसे भरना चाहिए। मैं एक आइडिया देता हूं कि जनरल वाले कैंडिडेट को सबसे पहला नंबर लेना चाहिए उसको एनआईटी कुरुक्षेत्र, सॉरी एनआईटी कुरुक्षेत्र ले ले, फिर भोपाल ले ले, ठीक है, फिर भोपाल के बाद वो जा सकता है एनआईटी, अगर मान लो उसको फी की इसमें जाए फिर 3 नंबर, फिर इसका कुरुक्षेत्र का 4 सेल्फ फाइनेंस, अगर फी की दिक्कत है तो नहीं तो ऊपर, ये 5, और फिर उसके बाद नंबर आता है 6, ये और फिर सॉरी 6 ये रायपुर ले ले और 7 अगरतला ले ले। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस को देखना है कि ईडब्ल्यूएस वाले कहां है, है ना, ऐसे ही एससी वाले को देखना है। तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए कि आप अच्छे कॉलेज को ऊपर रख लेंगे और जो रैंकिंग में थोड़ा नीचे उसको नीचे रख लेंगे, या नीचे वाले को ऊपर रख लोगे, ऊपर वाले को नीचे, उससे कुछ नहीं है। आपके ऊपर वाले को जब तक सीट अलॉट नहीं होगी आपका नंबर नहीं आएगा, इस बात के लिए केयरफुल रहिए। अब आती है बात स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड का मतलब होता है, अब इन सबके बाद भी मान लीजिए कुछ सीटें बच गई, सपोज अगरतला में पूरा होने के बाद भी 2 सीट रह गई, सपोज भोपाल में 1 सीट रह गई, सपोज जमशेदपुर में 2 सीट रह गई। अब कॉलेज की मर्जी है कि वो इन सीट को भरना चाहे या नहीं। अगर वो भरना चाहे तो वो एक स्पॉट राउंड का नोटिफिकेशन निकालता है, वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आएगा, किसी का भी स्पॉट राउंड आएगा मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। आप इंपिटस गुरुकुल से जुड़े हो, ना केवल पढ़ाने का, मैं हर तरह की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है टाइमली आपको देते हूं। तो अगर किसी कॉलेज में सीट बच गई तो कॉलेज की मर्जी है, कुछ कॉलेज कराते हैं और कुछ कॉलेज नहीं कराते हैं, तो ये ध्यान रखिए। दूसरा कि आपको जो आपने अगर सीट सरेंडर की है तो वो 10,000 में से आपको 9,000 रुपए मिल जाएंगे लेटर सूनर, पर यहां पर इसको फिल करने के लिए अभी कोई रुपए नहीं लगेंगे। हां, जब सीट अलॉट होगी तो फिर लॉक करेंगे और उस समय आपको 10,000 पे करना, ये पूरा प्रोसेस है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको पढ़ के दूर कर दूंगा। पर अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, और पूरे रूल्स रेगुलेशन अच्छे से पढ़िए और ट्राई करिए कि वो क्वेश्चन मत पूछो जो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।